गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऑफ क्लास टू। टुडे आई कम विथ लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर टू। यू नो दैट द चैप्टर नेम इज प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 10 लेकर आए हैं चैप्टर नंबर टू का। चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट। तो आओ शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का टी, कॉफी, कोकोया फ्रॉम प्लांट्स। टी, कॉफी, कोकोया फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट जो होता है, टी का पौधा जो होता है, उसकी पत्तियों से हम लोग टी पाते हैं, यानी कि टी प्लांट के पत्तियों से हमें टी मिलता है। आगे है, वी गेट कॉफी एंड कोकोया फ्रॉम द सीड ऑफ कॉफी एंड कोकोया प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। और हम लोग जो है कॉफी और कोकोया जो है वो कॉफी और कोकोया प्लांट के सीड से, बीज से पाते हैं। कहने का मतलब है कॉफी और कोकोया जो है वो हमें कॉफी और कोकोया का जो प्लांट होता है उसके बीज से हमें मिलता है। ठीक है, तो चाय जो हो गया, टी जो हो गया वो टी प्लांट से मिला, कॉफी और कोकोया जो है वो कॉफी और कोकोया प्लांट के बीज से हमें मिला। नेक्स्ट टॉपिक है वुड फ्रॉम प्लांट्स। वुड लकड़ी, फ्रॉम से प्लांट, पौधों से लकड़ी। वी गेट वुड फ्रॉम द ट्रीज। हम लोग वुड कहाँ से पाते हैं? ट्रीज से पाते हैं। लाइक जैसे टीक, साल, वालनट, नीम, शीशम एक्सेट्रा। तो हमें जो वुड मिलता है, लकड़ियाँ मिलता है, वो टीक से मिलता है, साल से मिलता है, वालनट से मिलता है, नीम से मिलता है और शीशम के ट्रीज से मिलता है। ठीक है, तो वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर। वुड का उपयोग क्या होता है, वुड का काम क्या होता है? तो वुड का जो है प्रयोग किया जाता है मेक बनाने में फर्नीचर, यानी कि वुड का प्रयोग जो है फर्नीचर बनाने में किया जाता है, एंड और टू बिल्ड हाउसेस, और मकान बनाने में किया जाता है। लकड़ी का प्रयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में और मकान बनाने में होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा टी कॉफी जो है वो टी जो है टी प्लांट से मिला, टी प्लांट की पत्तियों से, और कॉफी और कोकोया जो है वो कॉफी और कोकोया प्लांट के सीड से, बीज से मिला। वुड फ्रॉम प्लांट, पौधों से हमें लकड़ियां मिलती है। वी गेट वुड फ्रॉम द ट्रीज, हम पेड़ों से लकड़ियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि टीक के पेड़ से, साल के पेड़ से, वॉलनट से, नीम से और शीशम से। ठीक है, और वुड का प्रयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में चाहे या घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए, फिर आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।